दोस्तों इतनी सारी बातें हुई, दोस्तों से बातें हुई, परिवार वालों से बातें हुई, बस चंद ही लम्हे बचे हैं। हमने कहा कि क्यों ना इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए। कोई और व्यक्ति है बहुत दूर से जिन्होंने हमें एक मैसेज भेजा। आई हैव वन ग्रेट मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर पिचू मामा। आई एडमायर हर फॉर हर नेवर से डाई एटीट्यूड, हर विल पावर टू ओवरकम फेयर डेस्टिनी। आई लुक एट हर एज माई रोल मॉडल वेन एवर आई एम confronted with my major problems. Last but not least, she is a very good human being. We love you. I think my mamas have been so important in my life. My mom's youngest brother, 5 baje uthta tha wo. Samne wo Vijay Hospital ke samne, used to be this tea stall. Dard mein main cheekhti rahu raat bhar, 4 baje coffee chahiye. तो वो बेचारा नीचे जाता था, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आता था। आई बीन वेरी लकी। आई थिंक माई इमीडिएट फैमिली तो है ही, बट जहाँ मेरे मैटर्नल और मेरे पैटर्नल हैं, दे ऑल बीन अ पिलर ऑफ, यू नो, दे हैव बीन मॉरल बूस्टर्स इन माय लाइफ। आपकी जिंदगी में मुझे यहाँ पर बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। अगर आप इस समय विश कर पाती तो किन किन को यहाँ पर चाहती हैं? दो शख्स, डॉक्टर डेरेक डिसूज़ा, डॉक्टर पी के सेठी। बिकॉज मैं यही कहती हूँ कि दिस फाउंडेशन हैज़ बीन लेड बाई देम, जो एक पुनर्जन्म मैं कहती हूँ अपने आप को 81 के बाद। आई थिंक द फाउंडेशन वॉज डॉक्टर डेरेक डिसूज़ा। उन्होंने मुझे हंसना सिखाया, रोना सिखाया, चलना सिखाया। मतलब मैं अपने आप को एक बच्ची समझती थी उनके हाथ में। एंड आई रिमेंबर कि शायद बचपन में मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी माँ उंगली पकड़ के कैसे चलाती थी, शायद मुझे याद नहीं है। लेकिन 16 साल की उम्र में मैंने ये देखा, एक माँ के ज़रिए नहीं लेकिन एक डॉक्टर के ज़रिए, वो मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मुझे चलाते थे। मतलब मैं ये डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता नहीं था, ये कुछ अलग ही था। इट वाज अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। आई थिंक आई डोंट नो, एंड ही केम फ्रॉम जर्मनी। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, ही वाज पोस्टेड इन जर्मनी, तो वहाँ से मेरे लिए एक टॉबलॉन चॉकलेट लेकर आए थे मेरे लिए। ही सेड दिस आई बॉट फॉर यू फ्रॉम जर्मनी। उफ, हाउ आई विश ही वाज हियर। सुधा जी, हमने अपने लास्ट सेगमेंट आपके लिए एज अ रियल स्पेशल सरप्राइज रखा था। एक मैसेज है, लेकिन वो लाइव यहां पर आपके लिए लेके आए, देखते हैं। हाउ मेनी इयर्स टू यू हैव नॉट चेंज्ड। Come on, I'm You're not still looking so same. Handsome. Thank you. Dr. So Derek D'Souza, ladies and gentlemen. Thank you so much. Doctor, thank you. Thank you so much for coming here. It's my pleasure. It's my pleasure for a great woman. No, he made me a great woman. Come on. He made me a great woman. So? I owe this life to him. Yes, you know it. No, I don't. You know it, of course. All that he did was so unintentional. But it's only because of him, I'm telling you, I'm walking, I'm talking. It's a rebirth, which I, in this life is his. You know, इन्होंने कहा था कि दो लोग थे जिन्होंने इनकी जिंदगी में ऐसा एक रोल अदा करा था। एक डॉक्टर डिसूज़ा थे, दूसरे व्यक्ति जो थे न जाने इस समय कहाँ पर होंगे, लेकिन अगर दिल में जगह हो तो कभी कभार पैगाम पहुंच ही जाते। हेलो सुधा, समवेयर अराउंड 1981, दैट वाज द ईयर आई हैड रिसीव्ड द मैग्सेसे अवार्ड एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड हैविंग रेड दैट यू केम टू मी विद योर मदर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन यू वांटेड टू आस्क मी वाज कैन आई डांस। And I remember I said, why not? This was a bit of a surprise to her. So we fitted a limb and she went back to Bombay. She had a lot of initial difficulty because every time she will dance, her stump will be painful. Occasionally it will bleed. But then you kept on and finally you were able to dance satisfactorily. Now this sort of depends on the amount of courage and determination that you showed. So ultimately the credit is all yours.
क्या जिंदगी बनाई है और क्या जिंदगी जी रही हैं आप सब के लिए. मुझे लगता है कि शी इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, अपने को एक्टर्स के लिए अ सोर्स ऑफ ग्रेट एनर्जी, अ सोर्स ऑफ ग्रेट लर्निंग, और सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंसान. और मैं चाहता हूं कि इस समय इन सारे दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, चाचा, सब लोगों को यहां पर बुलाऊं कि वो यहां पर आएं और सुधा के साथ एक ऐसा मोमेंट हम लोग कैप्चर करें जो जिंदगी भर उनको याद रहेगा और आप सबको याद रहेगा, और आप सब कह सकेंगे कि वाकई जीना इसी का नाम. आइए. कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्के फुल्के रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से.